मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसका नाम आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मुल्क की जिसकी कोई अपनी फौज मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ आज तक कोई भी जुर्म रिपोर्ट नहीं हुआ। ये लोग मोहब्बत करने वाले और इंतहाई दिलचस्प सकाफत के मालिक हैं। इस मुल्क की अपनी कोई करंसी मौजूद नहीं, मगर ये दुनिया के नक्शे पर एक नुक्ते की तरह नजर आने वाला मुल्क है। यहाँ हर बंदा या बंदी तालीम के जेवर से माला माल है। इसे पानियों की सरजमीन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोनेशिया की। अक्सर लोग इसके नाम को लेकर कन्फ्यूज होते हैं। आज हम आपको बताएंगे इस मुल्क के मुतालिक वो दिलचस्प हकायक जिनसे आप तमाम दोस्त लाइल्म होंगे। यह मुल्क पाकिस्तानियों को वीज़ा मुफ्त देता है। वीज़े की तमाम मालूमात वीडियो के आखिर में मौजूद हैं। तमाम दोस्तों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। दोस्तों, माइक्रोनेशिया मगरबी बहरुल काहल में 600 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है। यह मुल्क खजूर के सायादार साहल, गोताखोरों और कदीम खंडरात के लिए जाना जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये एक मुल्क है या रीजन, जिसकी वजह इस मुल्क और रीजन का नाम एक जैसा होना है। माइक्रोनेशियाई खिते को मुतअद्दिद खुदमुख्तियार ममालिक में सियासी तौर पर तकसीम किया गया है। इनमें से एक फेडरेट स्टेट ऑफ द माइक्रोनेशिया है, जिसकी आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं। इसे अक्सर माइक्रोनेशिया के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे खिते को भी माइक्रोनेशिया के नाम से जाना जाता है। इस खिते में करिबियाती, मार्शल जजायर और नूरू जैसे ममालिक भी शामिल हैं। ये मुल्क फिलिपाइन और हवाई के दरमियान जजीरा गुआम के जनूब में वाकया है। यह मुल्क चार रियासतों पर मुश्तमिल है, मगरिब से मशरिक तक। योप, चोक, पोहनपी और कोसरा, जो कि बहरुल काहल में फैली हुई हैं। इसका अपना मजमूई अराजी रकबा बहुत कम है, लेकिन ये 2,60,000 से जायद के सबसे बड़े खसूसी इक्तसादी जोन पर काबिज है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत पालकर सिटी है, जो कि पोहनपी जजीरे पर वाक़ है, जबकि सबसे बड़ा शहर वीनो सिटी है, जो कि चोक अटोल पर वाक़ है। ये मुल्क आज़ादी से कबल बहरुल काहल जजीरे की ट्रस्ट टेरिटरी का एक हिस्सा था, जो अमेरिकी इंतजामिया के तहत अक़वामे मुत्तहिदा का इलाका तसव्वुर किया जाता था। इस मुल्क ने 10 मई 1979 में अपनी आइनी हुकूमत तश्कील दी और 3 नवंबर 1886 को एक आज़ाद मुल्क होने का ऐलान किया। यहाँ औसतन उम्र 67.62 साल है। इस मुल्क के पास अपनी कोई फौजी ताकत मौजूद नहीं। इसका दिफा अमेरिका की जिम्मेदारी है। अमेरिकी फौज इस मुल्क की हिफाजत करती है। इस मुल्क की सरकारी जबान अंग्रेज़ी है। इसके अलावा यहाँ मकामी जबानें भी बोली जाती हैं, जिनमें गैलबटीज चौकीस, मार्शलियन, पोहनपियन, कोसरियन, एल्तियन और कैरलियन शामिल है। यह मुल्क सब्जियों, फल, नारियल, चिकन और मछलियों समेत मुतअद्दिद चीज़ों के लिए जाना जाता है। इस मुल्क की सनत में सियाहत, फिश प्रोसेसिंग, खसूसी ज़रात, लकड़ी, मोतियों और गोलों से बनी हुई क्राफ्ट की अशिया शामिल हैं। यह मुल्क मछली, फल, गिरीदार मेवे और कपड़े बरामद करता है। इस मुल्क के जजीरे पोहनपी के बारे में एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि यह इतना छोटा है कि यहाँ एक ही मरकजी सड़क मौजूद है और जजीरे के तमाम मकामी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ये हर रोज एक दूसरे से मिलते हैं और बात भी करते हैं। इस मुल्क के एक और छोटे से जजीरे कोसरी पर आज तक कोई जुर्म नहीं हुआ। ये दुनिया में सबसे महफूज तरीन जगहों में से एक है। हर साल इस छोटे से मुल्क को 45,000 से ज्यादा लोग देखने आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर तादाद गोताखोरों की होती है। दोस्तों, फेडरेट स्टेट ऑफ द माइक्रोनेशिया का साबका दारुल हुकूमत कोलिनिया था, जबकि 1899 में पालिकर को इस मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया गया। इस शहर में 4,000 से ज़ायद लोग आबाद हैं। यह मुल्क 702 मरबा किलोमीटर के रकबे के साथ दुनिया का 177वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, माउंट नैनलाउड फेडरेट स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया का बुलंद तरीन मकाम है, जो कि 782 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। दोस्तों, इस इलाके में सबसे पहले आकर बाद होने वालों में पुर्तगाली शामिल थे। इसके बाद अस्पानियों ने इस इलाके पर हुकूमत कायम की और 1899 में स्पेन ने यह जजीरा जर्मनी को बेच दिया और पहली जंग अजीम के दौरान जापानियों ने इन जजायर पर कब्जा किया, लेकिन दूसरी जंग अजीम में अमरीकी फौज ने इस इलाके को फतह किया
और यहाँ अपनी हुकूमत कायम की और देखते ही देखते ये इलाका अक्वाम मुत्तहदा के इलाकों में शामिल हो गया। यहाँ सबसे स्पेशल डिश चावल हैं जो आमतौर पर खाने के साथ पेश किए जाते हैं। यहाँ खाने में मछली और समुद्री गिज़ा भी शामिल होती है। यह लोग ताज़ा सेल फिश और केकड़े भी खाते हैं। अगर आप पूरी रात जश्न मनाना पसंद करते हैं तो आप माइक्रोनेशिया में जाकर बहुत ही ज़्यादा मायूस होंगे, क्योंकि ये लोग पुरसकून और रात को नींद पूरी करने वालों में से एक हैं। ये सारी रात सुकून से सोते हैं और रेस्टोरेंट और बार यहाँ पर रात 10 बजे बंद कर दिए जाते हैं। इस मुल्क में हुकूमत 1979 के आयन के तहत कायम की गई है। इसकी 4 रियासतों में 4 सैनिटर हुकूमत करते हैं। इनकी हुकूमत का दौरानिया 4 साल ही होता है। यहाँ मकामी आबादी जो कि माइक्रोनेशी कहलाती है, मुख्तलिफ नस्ली लसानी ग्रोहों पर मुश्तमिल है। यहाँ सबसे बड़ा मजहब ईसाइत है। यहाँ मुतअद्दिद प्रोटेस्टेंटिज्म, नेज रोमन कैथलिक चर्च और दीगर के मानने वाले लोग आबाद हैं। यहाँ मर्दों के लिए मुतवक्का उम्र 66 साल है और औरतों के लिए मुतवक्का उम्र 59 साल है। यहाँ चंद मशहूर खेलों में से एक बेसबॉल और फुटबॉल भी शामिल हैं। यहाँ 6 से 13 साल की उम्र तक तालीम हासिल करना लाजमी है। इस मुल्क की शरह ख्वानगी यानी कि लिटरेसी रेट 98% है, यानी कि यह सारा मुल्क तालीम याफ्ता है और लोग तालीम हासिल करना पसंद करते हैं। इस मुल्क में जाने के लिए पाकिस्तानियों को वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पाकिस्तानियों के लिए टूरिस्ट वीज़ा बिल्कुल फ्री है। यहाँ आप 30 दिन के लिए जा सकते हैं और जितना ये छोटा मुल्क है आप 30 दिनों में कई बार इस पूरे मुल्क का चक्कर लगा लेंगे। यहाँ आबाद कबाइल में 48.4% चौकीस, 24.2% पोहनपियन, 6.2% कोसरियन, 5.2% यापीस, 4.5% आउटर यापीस और 1.8% एशियन है। इसके अलावा यहाँ पर 1.5% पोलिनेशियन और 6.4% दीगर नस्ली ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। इस मुल्क ने आज़ादी का ऐलान यूनाइटेड स्टेट से किया, मगर आज भी अमेरिकी फ़ौज इस पर काबिज़ है। यहाँ टोटल GDP 2019 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक $367 मिलियन है, जो कि पर कैपिटा के लिहाज से $3,584 बनती है। यहाँ GINI की शरह 2013 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 40.1% है, जो कि मीडियम सतह पर है। यहाँ HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि इंसानी तरक्की की शरह 0.620 है, जो कि काफ़ी हद तक बढ़ रही है। इस लिहाज से इसे दुनिया में 136वें नंबर पर शुमार किया जाता है और यह मीडियम सतह पर है। यहाँ करेंसी $ है और एक $ पाकिस्तानी 152 रुपयों के बराबर है। यहाँ टाइम जोन UTC+10 और +11 है, जबकि यहाँ पर ड्राइव राइट साइड है यानी कि गाड़ियाँ रोड पर दाईं जानिब चलती हैं और गाड़ियों में स्टेयरिंग बाईं जानिब होता है। अगर आप इस मुल्क में किसी दोस्त से बात करना चाहते हैं तो आपको उसके नंबर के साथ +691 लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ का ऑफिशियल कॉलिंग कोड है। यहाँ इंटरनेट TLD और डोमेन नेम .fm है। तो दोस्तों आज तक लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती और दिलचस्प वीडियो से लुत्फानंदोज हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीद TV को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।